मैंने खरीदा है एक सेकेंड हैंड गेमिंग लैपटॉप। लेट्स अनबॉक्स। ₹50 कट ओवर एक्टिंग के। बहुत सारी फोम, चार्जर बिना किसी पैकेजिंग के एंड गेमिंग लैपटॉप। ओह नाइस एंड शाइनी। फिजिकल कंडीशन तो बढ़िया लग रही है। इनवॉइस ओ खोलते ही ऑन भी हो गया। चलो इसको सेटअप करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। वेल फन फैक्ट, मैं ऑलरेडी इस लैपटॉप को एक हफ्ते पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ और एक हफ्ते से यूज भी कर रहा हूँ। एक काम करता हूँ, इसको ना इधर रख देता हूँ सो दैट फ्रेम में भी रहे और मैं आप लोगों से बात भी कर सकूं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई अ गेमिंग लैपटॉप, जबकि दिशांत तेरे पास एक गेमिंग पीसी और एक PS5 दोनों है। अग्रीड। बट यार देखो, एज अ गेमिंग कॉन्टेंट क्रिएटर मुझे लगता है कि जब तक मैं इन चीजों को खुद ऑन नहीं करूंगा ना, तब तक मैं आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाऊंगा। सपोज आज कोई मुझसे पूछता है कि PlayStation 5 और Xbox Series X में कौन सा कंसोल बेटर है, कौन सा लेना चाहिए, तो मैं बता सकता हूं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स की PlayStation 5 के पास बेटर गेमिंग लाइब्रेरी है बट Xbox के पास क्या है ऐसा यार। या फिर किसी सब्सक्राइबर को गेमिंग पीसी बिल्ड करना है और वो मुझसे पूछता है कि दिशांत भाई कौन से कंपोनेंट्स चूज करूं, तो मैं उसको बता सकता हूं कि एनवीडिया का जीपीयू, इंटेल का प्रोसेसर, फलाना मदरबोर्ड, डिमकाना रैम, ये सब मैं बता सकता हूं बिकॉज आई ओन अ गेमिंग पीसी। बट नाउ आई थॉट कि यार इट्स हाई टाइम कि मेरे को एक गेमिंग लैपटॉप ओन करना चाहिए सो दैट मूविंग फॉरवर्ड मैं गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में भी अपनी ऑडियंस को अच्छा अच्छा कॉन्टेंट दे सकूं, यूजफुल इंफॉर्मेशन बता सकूं। एंड देन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यार लेट्स गो फॉर अ सेकेंड हैंड लैपटॉप। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, एक सेकेंड हैंड लैपटॉप लेकर उसको खरीदने का मेथड, उसको यूज करने का एक्सपीरियंस, उसकी फिजिकल कंडीशन, अगर ये सारी चीजें मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर पाया तो आई थिंक बहुत लोगों का बेनिफिट होगा बिकॉज सभी लोगों का एक ब्रांड न्यू गेमिंग लैपटॉप लेने का बजट हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। एंड बाय द वे मैंने अपना बजट सोच रखा था ₹30,000। आई थिंक ये काफी डिसेंट बजट तो है ही, साथ ही साथ ये काफी अच्छा स्वीट स्पॉट भी है। अब ये डिसाइड करना था कि कॉम्प्रोमाइज करना कहां पे है, स्पेक्स में या फिर एज ऑफ लैपटॉप में कि वो कितना पुराना है। फिर मैंने ऑनलाइन काफी सर्च किया, OLX पे सर्च किया, फेसबुक मार्केटप्लेस पे सर्च किया, अपने सर्कल में पूछा किसी को अगर सेल करना है तो, बट दे वर नॉट रेडी टू सेल। फिर मैंने गेमलूट पे भी देखा, वहां पर काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे बट मुझे लग रहा था कि मेरे बजट से बाहर जा रहे हैं। ₹26,000 में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिख गया जिसके स्पेक्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इस लैपटॉप का नाम है Lenovo IdeaPad Gaming 3। 15.6 इंच की इसकी डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले, फुल HD 60 हर्ट्ज की, और इसमें प्रोसेसर है AMD Ryzen 5 4600H, 12GB की रैम है, 1TB की हार्ड डिस्क है और 256GB की NVMe SSD भी है, और जो GPU है इसके अंदर वो है GTX 1650 Ti NVIDIA का। और इसकी कंडीशन में मेंशन था माइनर वेयर एंड टियर, डिस्प्ले एंड बॉडी, तो मतलब डिस्प्ले एंड बॉडी में थोड़े बहुत स्क्रैचेस, डेंट्स हो सकते हैं बट कहीं से टूटा नहीं होगा और ना ही रिपेयर्ड है इसका मतलब। तो मुझे ये बहुत ही परफेक्ट सी स्पेक्स लगी क्योंकि अगर मैं ₹32,000 का बजट मान के चलता तो मैं फिर एक्सपेक्ट करता कि मुझे RTX 2050 वाला लैपटॉप तो मिले एटलीस्ट, क्योंकि ब्रांड न्यू ही 45-50,000 के मिल रहे हैं। बट हाँ, 25-26,000 के प्राइस ब्रैकेट में आई थिंक ये जीपीयू डिसेंट है, ये बाकी स्पेक्स भी डिसेंट है काफी। मूविंग ऑन, एक हफ्ता हो गया यूज करते करते, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है भाई? अनबिलीवेबल, सच बता रहा हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि इन स्पेक्स के साथ मैं इससे ये परफॉर्मेंस ले पाऊंगा जो मैंने अभी तक ली है। देखो, इसका दो मतलब हो सकते हैं, या तो डेवलपर्स अपनी गेम्स और प्रोग्राम्स को लो एंड हार्डवेयर के लिए भी अब अच्छे से ऑप्टिमाइज करने लग गए हैं। मैंने ब्लैकमैन वूकॉन्ग इंस्टॉल करी सबसे पहली गेम और मुझे यकीन ही नहीं हुआ उसकी परफॉर्मेंस पे। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये लैपटॉप और इसके स्पेक्स वाकई में डिसेंट है, इट्स जस्ट दैट कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था 1650 Ti से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल सकती है। मैं 2 दिन से अपने गेमिंग चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ इसी लैपटॉप को यूज करके, क्योंकि मेरा वेबकैम खराब हो गया तो पीसी से स्ट्रीम नहीं हो सकती और इसके अंदर इनबिल्ट वेबकैम है, तो मैं इसी से स्ट्रीम कर रहा हूँ। एंड क्या मक्खन स्ट्रीम हो रही है भाई, मजा आ गया, कोई लैग नहीं, कोई स्टटर नहीं। जो लोग स्ट्रीम देखते हैं उनको पता होगा, उनको डिफरेंस भी नहीं पता चला अनलेस मैंने उनको नहीं बताया कि मैं अपने पीसी से नहीं बल्कि लैपटॉप से स्ट्रीम कर रहा हूं। बस एक चीज अच्छी नहीं लगी और वो है डिस्प्ले के बीचों बीच ना यार एक लाइन है, स्क्रैच टाइप है, मतलब वो कोई मिट्टी का या कोई स्टेन नहीं है, डिस्प्ले बीचों बीच प्रॉपर डैमेज्ड है। मैंने सैनिटाइजर से, ग्लास क्लीनर से, हर चीज से कोशिश कर ली वो निशान हटाने की। मैं कहूंगा 20-30% साफ हुआ है बट पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं गया वो, और बहुत ही प्रोमिनेंट है स्पेशली तब जब डिस्प्ले ऑफ है। तो अगर मैं गेम खेल रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, तो वो एक्सपीरियंस इतना इमर्सिव हो जाता है कि वो फिर लाइन दिखती नहीं है, बट अगर मैं उस लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा तो वो भाई दिखती है बहुत प्रोमिनेंटली। बाकी एक चीज मुझे अच्छी लगी फिजिकल कंडीशन के बारे में कि बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है, हल्का फुल्का वियर एंड टियर ही है, थोड़ा बहुत कलर उतरा हुआ है, थोड़े से स्क्रैचेस हैं जो कि एक यूजुअली 3-4 साल पुराने लैपटॉप से आप वैसे भी एक्सपेक्ट करोगे। बस वो डिस्प्ले के ऊपर निशान ना होता तो मेरे हिसाब से मैंने एक स्टील डील ले ली थी। बट हाँ, जिस कंडीशन में ये है आई वुड से कि जितना मैंने पे किया ना एक पैसा वसूल हो गया मेरा। सो इस वीडियो में तो मैंने बस यही एक्सपीरियंस शेयर करना था आप लोगों से। बाकी एज आई टोल्ड यू कि मैंने इसको लिया ही इसलिए सो दैट मैं आप लोगों के साथ गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में और ऑसम कंटेंट डिस्कस कर सकूं। उसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा सो दैट मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।